और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बेहद अहम खबर आपको बताते चले। बड़ी खबर इस वक्त की जो कि हरियाणा से आ रही है, आयकर विभाग के शिकंजे में ललित नागा। बता दें कि लगातार रेड 4 दिनों से ललित नागर के घर पर चल रही है। गांव के बुआपुर गांव आवास पर रेड जारी है, जहां उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, गांधी परिवार के करीब हैं ललित नागर। बता दें कि 4 दिन से इनके घर पर रेड हो रही है, छापेमारी की जा रही है। नागर के साथ साथ उनके सभी परिवार के लोग मौजूद हैं। सिंगाव से कांग्रेस के पूर्व विधायक है नागर। आयकर विभाग के शिकंजे में ललित नागर, बड़ी खबर। 4 दिनों से लगातार ललित नागर के घर पर छापेमारी की जा रही है। तिगांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर के घर पिछले 3 दिन यानी कि 77 घंटे से लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। बता दें आपको कि 4 मार्च को सुबह करीब 6 बजे सेक्टर 17 निवास स्थान और साथ ही पैतृक गांव भुआपुर से ये छापेमारी शुरू की गई थी और कुल मिलाकर टोटल 29 जगहों पर छापेमारी शुरू की गई थी। बाकी जगहों से जो भी डेटा कलेक्ट करना था, जो भी कागजात तो उनको लेने थे आयकर विभाग को, वो ले चुके हैं। और यहाँ पर सेक्टर 17 की कोठी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है और यहाँ पर पुलिस विभाग पूरी तरह से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है कि पूरी तरह से जो आयकर विभाग है वो कागजात यहाँ पर टटोलने में लगे हुए हैं। अब वो ऐसा क्या खोज रहे हैं, ऐसा क्या उनको नहीं मिल रहा है, ये तो सिर्फ छापेमारी समाप्त होने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर वजह क्या है इतनी लंबी छापेमारी की। और चलना लंबी छापेमारी की बात करें तो अभी तक फरीदाबाद के इतिहास में ये सबसे लंबी, सबसे ज़्यादा समय की आयकर विभाग की रेड है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए गजेंद्र राजपूत। तो बता दें कि 4 दिन से ललित नागर के घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। तिंगाव के बुआपुर गांव में उनके आवास पर ये रेड पड़ी हुई है, जहां छापेमारी चल रही है, रेड चल रही है। नागर के साथ साथ परिवार के लोग भी मौजूद हैं इस घर के अंदर। और ये बताते चलें कि नागर कांग्रेस के पूर्व विधायक है तिंगाव गांव से। आयकर विभाग के शिकंजे में ललित नागर, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बताते चल रहे हैं। 4 दिनों से ललित नागर के घर पर छापेमारी की जा रही है। गजेंद्र राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, 4 दिन हो गए हैं लगातार रेड चल रही है, और क्या अपडेट आ रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि 4 मार्च को सुबह करीब 6 बजे ललित नागर, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे थे गांव क्षेत्र से, उनके घर पर और उनके पैतृक गांव भुआपुर से आयकर विभाग की रेड शुरू हुई थी। और इसके बाद टोटल 29 जगहों पर रेड मारी गई। और इस छापेमारी के दौरान बाकी के जो क्षेत्र से वहां से तो उन्होंने जितना भी डेटा कलेक्ट करना था कर लिया, लेकिन अभी भी जो उनका निवास स्थान है सेक्टर 17 का, उनकी जो कोठी है वहां पर पूरे परिवार सहित रहते हैं, वहां पर अभी भी आयकर विभाग की टीम जमी हुई है। और पिछले 4 मार्च से लेकर आज 7 मार्च हो चुकी है, तो कुल मिलाकर करीब 77 यानी कि 77 घंटे इस आयकर विभाग की छापेमारी को लगातार हो चुके हैं। और अभी तक भी जो आयकर विभाग की टीमें हैं और साथ में जो बाहर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद किया हुआ है, तो अभी तक बस यही जानकारी मिल पा रही है कि बस आज शाम तक हो सकता है कि छापेमारी बंद कर दी जाए और जो भी उनको जो कागजात टटोलने थे वो उनको शायद मिल गए हैं। इसका वक्त का खुलासा तभी हो पाएगा जब छापेमारी बंद कर दी जाएगी और खुद ललित नागर आकर पूरे 3 दिन का 3 दिन की आप बीती मीडिया को बताएंगे। गजेंद्र, क्या जो ललित नागर है उनके समर्थक या फिर उनके किसी करीबी रिश्तेदारों से भी बातचीत हो पाई है या फिर नहीं? जी, अभी तक जैसे ही बात करने की कोशिश की तो सभी, कोई भी इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं। सबका कहना है कि सरकारी प्रक्रिया है और वो इस मामले में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहते, क्योंकि एक तरह कहते हैं कि सरकारी जो ड्यूटी है उसमें बाधा पड़ती है, तो वो इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सबका यही कहना है कि वो बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये रेड समाप्त होती है और उसके बाद जो निकल के आता है कि रेड में पिछले 3 दिन क्या रहा, कैसे रही, कैसे कैसे पूछताछ की गई, कैसे कागजातों को खंगाला गया और किस तरह से पूरी ये जाँच चल रही है, उसके बारे में नहीं पता लग पाएगा। चलिए गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। गांधी परिवार के करीब है ललित नागर और 4 दिन से इनके घर पर छापेमारी की जा रही है। नागर के साथ साथ सभी परिजन घर में मौजूद हैं। तिंगाव से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं नागर, जिनके घर ये छापेमारी की जा रही है।